देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें। डीएमओ एसएसपी बड़हलगंज हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए गए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता बड़हलगंज क्षेत्र के चैनपुर बेलसाड़ी हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए एवं कोरोना से बचाव से संबंधित आवश्यक किट लोगों के बीच वितरित किया गया तथा जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा बड़हलगंज थाना प्रभारी निरीक्षक को जनता में वितरित करने के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स एवं आवश्यक किट उपलब्ध कराया गया। चौरी चौरा गोरखपुर एसएसपी के निर्देश पर झंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गरल, भारी मात्रा में लहन किया नष्ट। 29 वर्षीय कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, वीडियो रिकॉर्ड कर बॉयफ्रेंड पर लगाया शादी न करने का आरोप। भारत के रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया। जिला प्रशासन अभी भी नेपाल क्लब में बने कम्युनिटी किचन के जरिए गरीब और असहाय की कर रहा है मदद। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने सांसद पूनम महाजन के अनुरोध के बाद शहरी एवं ग्रामीण एरिया में गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने की भाजपा महिला मोर्चा को दी जिम्मेदारी। गोरखपुर आयुक्त कार्यालय में बाढ़ की तैयारी एवं आपदा प्रबंधन विषय पर समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में की गई। कोड़ीराम विद्यालय में चोरी। कोड़ीराम प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार गौड़ ने तहरीर में लिखा है कि कोड़ीराम बीआरसी परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम अंग्रेजी माध्यम राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय है। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद चल रहा है। प्रधानाध्यापक विद्यालय निरीक्षण हेतु विद्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं और सोलर पैनल, वाईफाई पैनल, एक सोलर पंखा गायब है और कमरों की पूरी वायरिंग उखाड़ दी गई है। चौकी प्रभारी कोड़ीराम ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर अयोध्या में मिले भगवान बुद्ध के अवशेष स्थलों को पुरातत्व स्मारक घोषित करने की मांग। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के बुद्ध समाज के कार्यकर्ताओं ने देश के महामहिम राष्ट्रपति के एक नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर के स्टोनो बाबू को सौंपकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो रही खुदाई में मिले भगवान बुद्ध के मूर्ति अवशेष स्थलों को पुरातत्व स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिस पर श्रीचंद यादव अम्बेडकर सेवा समिति रजिस्ट्रार बापुर रुदल बौद्ध राम निवासी बौद्ध रणबीजा कुमार मौजूद रहे। हिरण को गांव वालों ने पकड़ा। बांसगांव थाना क्षेत्र हरनही चौकी अंतर्गत डांगी पार गांव में हिरण देख गांव वालों ने दौड़ाना शुरू किया। गांव वालों ने 3-4 किलोमीटर के अंदर हिरण को दौड़ाकर घेराबंदी कर हिरण को पकड़ लिया गया। हिरण को हरनही चौकी लाया गया। उसके बाद वन विभाग के फॉरेस्टर हरनही चौकी पहुंचकर हिरण को अपने साथ ले गए। पुलिस पत्रकार व समाज सेवियों को अंग वस्त्र व फूल मालाओं से समाज सेवी ने किया सम्मानित। गोला विकास खंड के मदरिया चौराहे पर स्थित यादव भवन में समाज सेवी राजेश यादव ने क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, पुलिस विभाग व क्षेत्र के समाज सेवियों को कोरोना योद्धा के रूप में अंग वस्त्र, सैनिटाइजर, कलम, फूल माला देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष बृजनाथ तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत मिश्र, संजय श्रीवास्तव, कैलाश नाथ मिश्र, अशोक कुमार कनौजिया, अनिल कुमार मिश्र, शशिकांत दुबे, जनार्दन चौधरी, मनोज सिंह, कांस्टेबल शैलेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीराम यादव, सुभाष शाही, पूर्व प्रधान दीनानाथ यादव आदि लोग मौजूद रहे। आनंदगढ़ में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज, गांव में था होम क्वारंटाइन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक गोला योगेंद्र सिंह ने बताया कि गोला तहसील क्षेत्र के ब्लॉक गोला अंतर्गत ग्राम सभा आनंदगढ़ में होम क्वारंटाइन हुआ 52 वर्षीय व्यक्ति का सैंपल जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला। उसको रेलवे अस्पताल भिजवा दिया गया है। परिवार के लोगों को भी जांच कराने की बात कही गई है। गांव में साफ सफाई व नमूना लिया जा रहा है। मास्क न पहनने पर 26 के खिलाफ कार्रवाई बड़हलगंज। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश अनुपालन न करने पर 26 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,500 जुर्माना वसूला गया। कोतवाली प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। सभी लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकला, अन्यथा उनसे जुर्माना वसूल कर कार्रवाई की जाएगी। झंगहा में दो घरों में रहने वालों को किया गया होम क्वारंटाइन।
कौड़ीराम। पीएससी प्रभारी डॉक्टर संतोष वर्मा ने बताया कि मृतक के दो रिश्तेदारों का घर झंगाहा में है, वे अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। दोनों परिवार के 12 लोगों को होम क्वारंटाइन करा दिया गया है, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी करा दी गई है, कोई लक्षण नहीं मिला। टीम रेलवे स्टेशन और सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में जाँच के लिए लगा दी गयी है। टीम कनैल गाँव में लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर जाँच करेगी। कौड़ीराम में फ्लैग मार्च निकाला गया। कौड़ीराम में उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी बासगांव के नेतृत्व में कोतवाल बासगांव सीपी जैसल व थानाध्यक्ष गठा जगत नारायण सिंह कौड़ीराम चौकी इंचार्ज प्रमोद शुक्ला के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई एवं उन्हें अपना सामान दुकान के अंदर रखने को कहा गया। कौड़ीराम में फ्लैग मार्च मारपीट में 5 के खिलाफ केस चिल्लूपार। बड़लगंज के बढ़िया टिकुर गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस को दी गई तहरीर में अर्जुन निषाद ने कहा कि सोमवार की शाम वो अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इस बीच गांव के एक युवक ने साथ खेलने को कहा, मना करने पर वह देख लेने की धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद वह गाँव के कई युवकों के साथ आया और उनसे मारपीट की।